प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल RNS Education News में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बड़ी अपडेट, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS यानी कि राजस्थान सरकार की चिकित्सा विभाग की बड़ी भर्ती यानी कि मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा अधिकारी भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर दोस्तों जारी कर दिया है। डायरेक्ट जो रिजल्ट है मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2000 जो पद थे उनका ये परिणाम है दोस्तों, और बहुत जल्दी ये जो परिणाम है ये यहाँ पर घोषित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, 24/11/2020 चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020, तो दोस्तों 26/10 को आयोजन किया जाकर परिणाम 31/10 को जारी किया गया था, और 5/11 से लेके 21/11 तक पात्रता जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किए गए थे। और अब दोस्तों सफल घोषित जो अभ्यर्थी हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, उनका यहाँ पे परिणाम जारी किया गया है। अनारक्षित वर्ग का देख सकते हैं आप, रोल नंबर दिए गए हैं इस तरीके से, तमाम जो कैटेगरी हैं उनका ये जो परिणाम है ये आपका OBC वर्ग में है, इस तरीके से ये आपका SC वर्ग का है, और ये आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, और ये EWS अभ्यर्थी हैं जो डॉक्टर बने हैं, और MBC वर्ग का है। ठीक है, प्रोविजनली सेलेक्टेड EWS कैटेगरी में एक पद यानी कि EWS में एक पद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में खाली रखा गया है, रिक्त उसको रखा गया है। अब देखिए फाइनल कट ऑफ मार्क्स ये यहाँ पे दिए गए हैं, जर्नल का 54/28/2096 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो OBC मेल की बात करें 47, फीमेल की बात करें 45 अंक, SC मेल की बात करें 37, फीमेल की बात करें 36, ST का कट ऑफ यहाँ पर 38। और दोस्तों अच्छी बात ये, EWS MBC विडो डाइवोर्स PH ऑल एलिजिबल कैंडिडेट सारे यहाँ पर आ गए हैं इस मेडिकल ऑफिसर में यानी कि चिकित्सा अधिकारी बन चुके हैं, इनका कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है गया, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे शामिल इसमें किया गया। बाकी के कट ऑफ मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट है दोस्तों, प्रोविजनली सेलेक्टेड यहाँ पे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तमाम जो चिकित्सा अधिकारी में सेलेक्ट हुई हैं डॉक्टर्स, उन सभी को बधाई शुभकामनाएं। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.ruhsraj.org पर देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।